Hello student, welcome again in Academic Excellence. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to discuss topic characteristics of acid in this video. इस वीडियो के पहले भी हम एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिस्कस कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हम उनके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है. तो एसिड्स के जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड. अब बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है, देखिए हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें H लगा हुआ होता है, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो. जैसे HCl है, H2SO4 है आपका, और HNO3 है, CH3COOH है, कोई भी एसिड है तो उसमें आप देख रहे हैं कि H जो है वो जुड़ा हुआ है. ठीक है, H जो है ये जुड़ा हुआ है, ये सारे एसिड में H जुड़ा होता है. तो जब एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके जो है H प्लस आयन अलग हो जाते हैं. ठीक है, जैसे HCl है, इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर बनता है H प्लस Cl माइनस. H2SO4 है तो ये बन जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस आयन. ठीक है, HNO3 जैसे है तो ये बन जाएगा H प्लस NO3 माइनस आयन. CH3COOH है तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन. ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हैं कि जितने भी एसिड्स हैं चाहे वो बी स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे वो वीक एसिड है, इन एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें H प्लस आयन रिलीज हो गए. ठीक है, तो बच्चों बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है कि एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करने पर उसमें जितने H आयन मिलते हैं, जितने भी H आयन मिलते हैं उसे हम उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं. ठीक है, जैसे HCl है तो HCl में कितने आयन H मिल रहे हैं, 1, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1. H2 में कितने H मिल रहे हैं, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2. HNO3 में कितने मिल रहे हैं, 1, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1. CH3COOH में कितने मिल रहे हैं, 1, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1. तो इसका मतलब है बेसिसिटी ऑफ एसिड को आप कैसे डिफाइन करोगे, द नंबर ऑफ H प्लस आयन वी गेट व्हेन वी डिसॉल्व एनी एसिड इन वाटर. जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जितने हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, ठीक है, H प्लस आयन मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, उसे हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, इट्स मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिड विच इट कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. जब ये वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जितने हाइड्रोजन आयन निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसकी बेसिसिटी कहते हैं. ठीक है, अब हमने बताया यहाँ पे किसी की बेसिसिटी आप 1 देख रहे हैं, किसी की 2 देख रहे हैं, ठीक है, किसी की 3 होती है. तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयन निकलते हैं उसके हिसाब से उसकी बेसिसिटी हो जाती है. तो ये जो है हमारा एसिड मोनो बेसिक हो सकता है, डाई बेसिक हो सकता है, हो सकता है ट्राई बेसिक भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो देखिए मोनो बेसिक का एग्जांपल ये हो गया क्योंकि इसमें HCl, क्योंकि इसमें क्या है, 1 H निकल रहा है. इसी तरह से HNO3 भी मोनो बेसिक हो गया क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन आयन निकल रहा है. CH3COOH में भी 1 एसिड 1 हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो ये भी मोनो बेसिक हो गया. डाई बेसिक का देखिए ये एग्जांपल है जिसमें 2 H प्लस आयन निकल रहे हैं, ठीक है, 2 H प्लस आयन निकल रहे हैं तो ये जो है डाई बेसिक का एग्जांपल हो गया. ट्राई बेसिक का भी एग्जांपल मैं बताती हूँ, H3PO4. तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3. ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राई बेसिक का एग्जांपल हो गया. तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है बच्चों, जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर जितने हमें H प्लस आयन मिलते हैं उसे उसकी बेसिसिटी कहते हैं. क्यों बेसिसिटी कहते हैं, क्योंकि जितने ये हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं इनकी जगह उतने ही बेस आपके इससे
जुड़ जाएगा, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब उतने ही सॉरी बेस नहीं जुड़ेगा उतना ही दूसरा जो है आयन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसे हम उसकी क्या कहते हैं बेसिसिटी कहते हैं। और बेसिसिटी कई तरह की हो सकती है, अगर एक एच प्लस आयन मिल रहा है तो मोनो बेसिक होगा, दो एच प्लस आयन मिल रहा है तो डाई बेसिक होगा, और तीन एच प्लस आयन मिल रहे हैं तो ट्राई बेसिक होगा। तो इस तरह से हमारा बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए मोनो बेसिक के, HClH3CH2SO4 हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया डाई बेसिक का, और H3PO4 किसका एग्जाम्पल हो गया ट्राई बेसिक का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो है बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। देखिए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, इसके पहले हम रिएक्शन विद मेटल पढ़ चुके हैं और रिएक्शन विद बेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, और एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन रहा था, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। देखिए कोई भी मेटल ऑक्साइड लेगी, अब हमें ये ध्यान रखना है कि वो मेटल ऑक्साइड लेना है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा जो है रिएक्टिव हो, है ना। एक रिएक्टिव सीरीज आएगी आपकी जो है थर्ड चैप्टर में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, कम रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया, अगर जिंक ऑक्साइड की हमारी रिएक्शन हम करवाएं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो देखिए क्या होगा, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा और जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना लेगा, बचेगा क्या H2O, तो वाटर बन जाएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड ले लेंगे और कोई भी एसिड ले लेंगे, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड या जब भी कोई एसिड लेंगे तो वो क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि जब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जो है कंपाउंड में से अलग कर देता है और उसकी जगह पे जाके खुद बैठ जाता है, तो एक नया सॉल्ट बनाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस HNO3। अब देखिए क्या बनेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CuNO3 का होल 12 कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा H2O। तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट बन गया। तो जब कभी भी हम मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अच्छा बच्चों, जब हमने मेटल जो है किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाई थी तब भी हमारा क्या बन रहा था, तब भी हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। ध्यान दीजिएगा, जब हमने मेटल की एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाई थी तो भी हमारा क्या बन रहा था, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। इसका मतलब है एसिड तो कॉमन हो गया लेकिन बेस जो है वो हमारा मेटल ऑक्साइड की जगह पे आ गया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक टेंडेंसी के होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक टेंडेंसी के होंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक टेंडेंसी के होंगे। क्योंकि अभी आपने देखा ना कि दोनों रिएक्शन में देखिए बेस और मेटल ऑक्साइड एक ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेसिक टेंडेंसी के होते हैं। अच्छा मेटल ऑक्साइड के अपोजिट कौन सा ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होंगे, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक टेंडेंसी के होंगे। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक टेंडेंसी के होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होंगे, ये हमारे क्या होंगे, एसिडिक टेंडेंसी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड की टेंडेंसी क्या होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड की टेंडेंसी क्या होती है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा बेसिक टेंडेंसी के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक टेंडेंसी के होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। उसके बाद के जो है अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, गुड।